हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं आगरा से हूँ और मैं अभी QST में आया हूँ अपनी फोर्थ PRP के लिए। मेरा ट्रांसप्लांट अप्रैल में हुआ था और अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैं जब यहाँ पे अप्रैल में आया तो मुझे काफ़ी अंदर डर था कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, कैसे होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे आते ही यहाँ के स्टाफ से मिलके, यहाँ के डॉक्टर्स से मिलके, मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि मेरा जो डर था वो निकल गया। और अगर मैं यहाँ के स्टाफ की बात करूँ तो सभी लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहेंगे। एंड डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और वो आपके हर जितनी भी आपकी क्वायरीज होती हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं कि ऐसी, मतलब जो भी डर रहता है दिमाग में साइड इफ़ेक्ट का या किसी भी चीज़ का, तो वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं सो दैट कि आप सर्जरी के पहले कंफर्टेबल हो जाओ। एंड यहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं, इंक्लूडिंग, मतलब आप किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट के किसी से भी आप मिलो, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी तो कुछ एक आध लोगों से अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी है ये 4-5 महीनों में। तो वन थिंग आई कैन एश्योर कि आप QST पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप यहाँ आइए और बहुत ज़्यादा चेंज होता है आपके लुक में, आपके कॉन्फिडेंस में वंस द हेयर्स ग्रो। सो जब आपको पूरा एक अच्छा लुक मिलता है तो डेफिनेटली यू फील मोर कॉन्फिडेंट। तो ऐसा मैं फील कर रहा हूँ एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग जहाँ से करा के जाते हैं वो भी फील करते हैं। तो इफ़ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज, लाइक आपको अगर लगता है कि आपके हेयरलाइन रिसीड हो रही है, किसी भी तरह का आपको हेयर फॉल इशू है, जो भी, अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप QST को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं सर्जरी के पहले की, मेरे हेयर्स कैसे थे। एंड अभी आप देख सकते हैं अभी आपके सामने रिजल्ट है, ग्रोथ आपको दिख रही होगी और ऑलमोस्ट 5500 ग्राफ्ट लगे थे। एंड आप मेरा डोनर एरिया भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से, मतलब, रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट, और ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता है कि आपके डोनर एरिया से इतने बाल लिए गए हैं। और यहाँ आने का डिसीज़न मैंने काफ़ी रिसर्च किया, यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखे, वीडियोस देखे यहाँ के, जो बहुत हेल्पफुल थे ये डिसाइड करने में कि आप QST क्यों सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे थे और मेरे फ्रेंड ने भी यहाँ पे कराया था ट्रांसप्लांट, तो उसके मैंने रिजल्ट देखे थे, सो इट वाज क्वाइट गुड। और इसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे QST जाना चाहिए और वहाँ से ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और तो यहाँ आने के पहले मेरे काफ़ी हेयर फॉल हो चुके थे और मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई करी थी, इंक्लूडिंग माइनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और तमाम तरह की दवाइयाँ, होम्योपैथी, एलोपैथी। सो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे मन में काफ़ी डाउट्स भी थे कुछ चीज़ों को लेके। आप इंटरनेट पे तमाम सी चीज़ें, ऐसे तमाम आर्टिकल ऐसे पाते हैं जिनमें काफ़ी डरावनी चीज़ें लिखी होती हैं ट्रांसप्लांट को लेके, जैसे आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट इसमें हो सकता है, बहुत सारे लोग को डर रहता है कि स्वेलिंग हो जाती है उनको, उससे उनको कुछ इफेक्ट ना हो। सो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वेलिंग होती है एंड वो होनी ही है, बट वो बहुत टेम्प्ररी चीज़ होती है, आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपकी स्वेलिंग चली जाती है। एंड आपको थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहना होता है पहले फर्स्ट मंथ। एंड ऐसा कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, सो इट्स बीन गुड टिल नाउ, अभी तक काफ़ी अच्छा है। एंड और आप सब देख सकते हैं ये रिजल्ट्स हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। अभी पूरी कंप्लीट अच्छी डेंसिटी होने में कुछ टाइम और लगेगा, बट 4-5 महीने के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं खुद, और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैं QST को रिकमेंड करूँगा आप सबको कि अगर आप लोग ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो आप QST ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू। और जब अगली बार मैं अपनी नेक्स्ट PRP के लिए आता हूँ तो उस समय तक का एक्सपीरियंस मैं फिर से शेयर करूँगा। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।